एक छोटी सी कहानी है। गर्मी का मौसम बीत रहा था, बरसात आने वाली थी। एक छोटी चिड़िया, जिसको हम लोग चोंचा कहते हैं, हम लोग देखते हैं अक्सर वह ताड़ के पेड़ पे अपना घोंसला बनाती है या अन्य पेड़ों पे अपना घोंसला बहुत सुंदर लटक करके बनता है और उसमें वह बड़े मजे से रहती है। जब भी हवा चलता है या बारिश होता है तो उसमें बैठी रहती है, गुनगुनाती रहती है। हवा के झोंकों से उसका जो घोंसला होता है वह हिलता रहता है और उसमें बड़े मजे से वह अपना समय बिताती है। तो वह समय आ गया था और चोंचा जो है अपना घोंसला बना रही थी। घोंसला बनाने के बाद बरसात का मौसम आया। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, काफी हवा भी चल रहा था, ठंडा जैसा महसूस हो रहा था। वे अपने घोंसले में बैठी हुई थी और देखती है एक बंदर जो इधर उधर घूम रहा है, बारिश के चलते वे परेशान है, उसको ठंड भी लग रही है। वह छुप रहा है, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी डाल पे चढ़ करके, यानी बारिश और आधी से बचने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वह बच नहीं पा रहा है। वह चिड़िया बोली, अरे बंदर मामा, समय रहते गर्मी के मौसम में अगर तुम भी अपना एक छोटा सा घोंसला बना लिया रहता, अपने छुपने का जगह बना लिया रहता, तो आज इस मौसम में तुमको इतने दुख का सामना नहीं करना पड़ता और हमारे जैसा तू भी मजे में रहता। बंदर को थोड़ा सा यह बात अच्छा नहीं लगा। वह बोला, आप अपने पास अपना प्रवचन रखो, हमें उस घोंसले की जरूरत नहीं है। एक दो दिन का बारिश है, वह कट जाएगा, फिर अपना मजे से हम घूमते रहेंगे। लेकिन बारिश जोर थी, थमने की नाम नहीं ले रही थी। चिड़िया को नहीं देखा गया, उस पे दया आ गया बंदर पे। फिर दोबारा बोली कि अरे बंदर मामा, अभी तो नहीं बनाया लेकिन अगले बार जरूर बना लेना, क्योंकि इस मौसम में तुमको बाहर रहना ठीक नहीं है। फिर बंदर को गुस्सा आता है, वह चिड़िया को डांटता है, बोलता है कि तुम हमको नहीं समझाओ, हमको क्या करना है हम जानते हैं। समय बीतता गया, दो चार दिन बीत गया, बारिश थम नहीं रही थी, रोज का रोज बारिश बढ़ता जा रहा था, आंधी भी बढ़ती जा रही थी। चिड़िया को बड़ा दया आ रहा था। चिड़िया फिर बोली कि बंदर मामा, देखो हम कितने मजे से अपने घोंसले में पड़े हुए हैं, चाहे वह आंधी हो या तूफान हो, हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगली बार तुम भी एक घोंसला जरूर बना लेना और आराम से रहना। बंदर को बहुत गुस्सा आया, बंदर तुरंत पेड़ पे चढ़ा और उस चिड़िए के घोंसले को तोड़ करके फेंक दिया और बोला, अब हम तुम बराबर हो गए, तो यह जो एक छोटी सी घटना है, एक छोटी सी कहानी है, वो हमको यह संदेश देता है कि हम अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करते रहे, चाहे अगला को अच्छा लगे न लगे, आज नहीं तो कल अगला को जरूर एहसास होगा कि उन्होंने हमको अच्छी बातें बताई हैं। तो अभी हमारे सर ने एक छोटी सी जो कहानी सुनाई है, सर के जो गतिविधि है उनका, वो बहुत अच्छा बात है। हमारे ही विद्यालय में सर थे और काफी उनसे कुछ सीखने को मिलता है, वे कुछ नया करते हैं बच्चों के प्रति। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग जिस कार्य में हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए, तो हम लोग समाज में और अपने बच्चों के प्रति कुछ अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।